बीजापुर जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनपद सदस्य व सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक रहे तिरुपति कटला की शुक्रवार की रात नक्सलियों ने धारदार हथियार से वार कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। तिरुपति कटला शुक्रवार की शाम शादी समारोह में शामिल होने बीजापुर से 25 किलोमीटर दूर तोयनार गांव गए हुए थे। तिरुपति कटला शादी समारोह से रात 9 बजे वापस लौट रहे थे। समारोह स्थल से बाहर निकलते ही नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम के 4 लोग ग्रामीण वेशभूषा में आए और उन पर धारदार हथियार से गर्दन व छाती पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नक्सली हमले से गंभीर रूप से घायल हुए तिरुपति को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने जानकारी इस प्रकार से दी है। तिरुपति कतला जी हैं, जनपद सदस्य हैं। अभी तुवेनार में वो अपने पड़ोसी संजय घड़ी के यहाँ शादी में गए थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों द्वारा हमला की गई। उनको हमला जब हुई उसके बाद में इनको जिला अस्पताल लाया गया। तो अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, हमारी टीम एक है और सघन गश्त भी वहाँ जारी है। सर्चिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, देखते हैं कि किनके द्वारा ये हमला किया गया। घटनास्थल से 700-800 मीटर की दूरी पर ये हुई है। और ये क्योंकि शादी का कार्यक्रम था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि कुछ घटना ऐसा होने वाला है। तो उसी दौरान अचानक हमलावरों ने हमला कर दिया। इसमें हम जांच कर रहे हैं, अब जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, ऐसा कोई सर्चिंग अभी जारी है।